अच्छा, हम में किस चीज का मुकाबला होता था शायस्ता? कपड़ों का, मेकअप कैसा है, बाल कैसे हैं, बस यही तक रहते हैं हम, आगे तो जाते ही नहीं। यार मुझे लगता है कि गेस्ट का भी बड़ा मुकाबला होता था कि यार वो देखो गेस्ट यार उधर आ गया, वो उधर पहले क्यों आ गया, ये इधर आए, ये इधर होने चाहिए थे। हमारे यहाँ तो गेस्ट का भी मुकाबला होता था। और क्या होता था? रेटिंग। रेटिंग मुझे लगता है जब से आई है ना, तब से बकवास तब शुरू हुई है। उससे पहले फोकस ग्रुप था, कितना सुकून होता था। हाँ। सबके शोज देखे जा रहे हैं, सब कंटेंट पे भी होता था। अच्छा वो क्या कंटेंट कर रहे हैं, आप वो क्या नई चीज कर रहे हैं, नई चीज डिफरेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेटिंग आ गई। लेकिन एक और चीज जो मुझे लगता है वो ये कि इसके पीछे एक बड़ी सैक्रिफाइस होती थी होस्ट की, जल्दी सोना, नो सोशल लाइफ, अगले दिन जो गेस्ट आ रहा है या जो टॉपिक है उसके ऊपर रिसर्च करना, वो सब बड़ा शॉर्ट टाइम होता था। तो आप लोग किस तरह प्रिपेयर करते थे अपना शो दोनों? हाँ जी, क्या अपना शो कैसे प्रिपेयर करती थी नेक्स्ट डे के लिए, क्या करना है उसके पीछे, क्या पीछे सैक्रिफाइस क्या थी? जल्दी सोना, तुम तो दुबई में थी ना, अरे बड़ा प्रेशर था, टाइम यहाँ से मैच करना है, क्योंकि मैं जरा सख्त प्रोड्यूसर भी थी उसमें सारा। मैंने सबको कहा हुआ था कि बाथरूम में भी फोन लेके जाना, मेरी टीम का किसी वक्त फोन ऑफ नहीं हो सकता था, इंक्लूडिंग माय ओन। तो इसलिए आप हर जगह फोन चीजें चेंजेस आ रहे हैं, हमारा तो नहीं कि वीजा दुबई, गेस्ट आ गया, गेस्ट दरवाजा नहीं खोल रहा, मारा दरवाजा तोड़ दो उसका। जी वो कल पार्टी पे गए थे, बड़ी देर से वापस आए हैं, मैं क्या करूं, दरवाजा तोड़ दो। तो जा रहे हैं नीचे होटल से, मास्टर की निकाल रहे हैं, मैनेजर साथ जा रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं, उठा रहे हैं, उठो भाई शो है। तो बहुत सारे प्रेशर और हर चीज पे आई यूज्ड टू बी इन्वॉल्व। तो मेरा तो वो, आप यकीन करें, कहीं जा भी रहे ना, दावत कुछ मेहमान है, दिमाग में शो चल रहा होता था, कल का शो, परसों ये, वो ये, all the time it consumed us. I think it was a bit too much. बहुत consumption होती है, ज़्यादा ही था। और फिर रोज़ एक नया topic discuss करना है, उसपे बात। ये मैंने कभी try नहीं किया ना, मैंने 6 महीने try किया, देखा देखी, मैंने कहा मैं भी producer बनती हूँ ना, पर तौबा करें जी, host होना ही बहुत बड़ी बात है, producer मेरा कोई जिम्मा नहीं है, किसने आना है, क्या करना है, क्या नहीं, मैं आके बैठ जाऊंगी तैयारी करके अपनी। लेकिन आपकी सोशल लाइफ कम्प्लीटली खत्म हो जाती है, आप अपने अपने घर वालों से नहीं मिल पाते, अपने बहन भाइयों में नहीं जा पाते, अपने कजन्स में, अपनी फैमिली गैदरिंग्स में, बिकॉज आप तो ऑफ हो जाते हैं 9 बजे के बाद, तो कंप्लीट साइलेंस है आपकी लाइफ में। और अगर नहीं है तो सुबह फिर आप शो नहीं कर सकते, सूजी आंखें हैं, आधा दिमाग चल रहा है, नींद पूरी नहीं हुई भी, लेकिन उसके बावजूद भी, तो ये सब सारी चीजें रहती है। और फिर ट्रैवल करना मुश्किल, लाइव शो है, आप कहीं ऑफ नहीं ले सकते, बिल्कुल सालों साल ही नहीं। अब थोड़ी सी घरेलू बातें करते हैं। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।